आज मैं बात कर रही हूँ थायराइड की बीमारी के बारे में, क्यों थायराइड की प्रॉब्लम होती है एंड थायराइड ग्लैंड को ऐसा क्या चाहिए जो हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जिससे कारण वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। आइए देखते हैं। थायराइड के स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन एंड फंक्शन के लिए कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट टायरोसिन एंड आयोडीन। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड प्रोटीन है एंड आयोडीन एक मिनरल है। जब आप थायराइड हार्मोन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो बीच में टायरोसिन होता है एंड साइड में आयोडीन के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। टायरोसिन प्रोटीन की डिफिशियंसी होने का मेन रीजन है हमारा जो डाइट है वो अनाज बेस्ड है। अनाज के कंपेरिजन में पल्सेस की क्वांटिटी कम है। आयोडीन मिनरल बेसिकली सी फूड्स में पाया जाता है। वीक में थ्राइस अगर आप सी फूड्स का कंजप्शन नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट मिनरल इज जिंक। सो जिंक रिक्वायर्ड होता है T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए। T3 एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन होता है। इम्पॉर्टेंट मिनरल इज सेलेनियम। सेलेनियम रिक्वायर्ड होता है ग्लूटाथायोन जो मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है उसके प्रोडक्शन के लिए। ग्लूटाथायोन का मेन काम होता है जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसमें किसी भी तरह के इन्फ्लामेशन को ना होने देना, थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट करके रखना। सो अगर आपको थायराइड है या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री थायराइड की है तो आपकी बॉडी में इन न्यूट्रिएंट की इनटेक सफिशिएंट होनी चाहिए थ्रू डाइट एंड सप्लीमेंट सो दैट कि आप थायराइड के ऑक्रेंस को प्रिवेंट कर सके एंड अगर आपका थायराइड है तो आप उसको नेचुरली रिवर्स कर सके। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी।